ये भी ट्रिक शायद उन लोगों को भी ना बताओ जो आफ्टर इफेक्ट्स सालों से यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ टेक्निक्स मैंने अभी रिसेंटली ही डिस्कवर करी हैं, विच हैव नाउ बिकम एन इररिप्लेसेबल पार्ट ऑफ माय एडिटिंग वर्कफ्लो। टिप नंबर वन, या मैंने एक लाइट बल्ब की पीएनजी ऐड कर रखी है और अगर मैं इसमें रेडियल फास्ट ब्लर इफेक्ट ऐड करूं तो हम या ये इफेक्ट इसके बाउंडिंग बॉक्स से कटता हुआ देख सकते हैं। ये दिक्कत इसके अलावा और भी इफेक्ट्स में आती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डीप ग्लो इफेक्ट ऐड करूं जो कि एक थर्ड पार्टी प्लगइन है, तो ये इफेक्ट यहाँ भी इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ही कैच सा हो रहा है। हम ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम को प्री कंपोज करके सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर मुझे बिना प्री कंपोज करे सॉल्व करना है तो मैं यहाँ एक और इफेक्ट ऐड करूंगा, दैट इज ग्रो बाउंड्स। इस इफेक्ट को हम अपने इफेक्ट स्टैक में सबसे ऊपर प्लेस करेंगे एंड नाउ इफ आई इंक्रीज इट्स वैल्यू देन इट विल सिंपली सॉल्व दिस बाउंडिंग प्रॉब्लम लाइक दिस। टिप नंबर टू, अब इस ग्लो को अगर मुझे इस बल्ब के इस ग्लास वाले एरिया पे ही रखना है तो वो करने के लिए मैं इस पीएनजी में एक मास्क क्रिएट करूंगा समथिंग लाइक दिस। और अब यहाँ इस इफेक्ट के अंदर जाके इस कंपोजिटिंग ऑप्शन के इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जिसे अब ये इफेक्ट यहाँ इस सिलेक्टेड मास्क के अंदर ही काम करेगा। इसे यहाँ से स्मूथ करने के लिए हम अपने मास्क में फेदर ऐड कर सकते हैं एंड वी कैन इवन चेंज द शेप ऑफ आर मास्क लाइक दिस। सिमिलरली अगर मुझे अपने इस बल्ब के मेटल वाले एरिया का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ वापस से एक और मास्क ऐड करूंगा समथिंग लाइक दिस। इसका कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ एक टिंट इफेक्ट ऐड कर सकते हैं और सिमिलरली इस इफेक्ट के कंपोजिटिंग ऑप्शन के अंदर भी हम अपना नया मास्क सिलेक्ट कर सकते हैं एंड दैट्स इट, वी कैन चेंज इट्स कलर लाइक दिस। यहाँ एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, इसे सॉल्व करने के लिए हम सिंपली अपने ग्लो वाले इफेक्ट को टिंट के बाद ऐड करेंगे। दिस वॉज बिफोर एंड दिस इज नाउ। टिप नंबर थ्री, मैंने अपने करियर में काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट के लिए वीडियोस बनाई हैं एंड दिस वाज माय सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो बेसिकली होता क्या है कि क्लोज शॉट्स में काफी बार स्किन थोड़ी सी रफ सी दिखती है, तो इसे स्मूथ करने के लिए वी कैन ऐड अ रिमूव ग्रेन इफेक्ट हेयर। इसके प्रीव्यू मोड को फाइनल आउटपुट पे करेंगे और यहाँ इस नॉइस रिडक्शन सेटिंग के अंदर इन दोनों वैल्यूज को चेंज करके वी कैन स्मूथ आवर स्किन लाइक दिस। दिस वॉज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। अभी ये स्मूथनिंग हमारी पूरी वीडियो पे ऐड हो रही है, बट आप इसे मास्किंग और कंपोजिटिंग ऑप्शन से सिर्फ स्किन तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। टिप नंबर फोर, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पैनल के सर्च बार में अनयूज्ड लिखूं तो यहाँ ये वो सारी फाइल शो कर देगा जो इस प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज नहीं हुई, या मैं सिंपली अपनी सारी फुटेजेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, जिससे अब ये सॉफ्टवेयर थोड़ा फास्ट भी चलेगा और हमारा प्रोजेक्ट पैनल भी क्लीन रहेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ मिसिंग फुटेज लिखूं तो अब यहाँ वो फाइल शो होंगी जो हमारे इस प्रोजेक्ट में मिसिंग है, जिसे अब मैं इन्हें इजीली सिलेक्ट करके लिंक कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा आप इस आइकन पे क्लिक करके और भी प्री मेड टर्म सिलेक्ट कर सकते हो। टिप नंबर फाइव, यहाँ अगर मैं अपनी शेप लेयर की पोजीशन में की फ्रेम्स ऐड करूं तो डिफॉल्ट से हमारा पाथ यहाँ पे कर्व्ड हो जाता है। इन कर्व्स को हटाने के लिए हम इन सब की फ्रेम को सिलेक्ट करके इन पे राइट क्लिक करके इस की फ्रेम इंटरपोलेशन के अंदर जाके इसे यहाँ से लीनियर पे स्विच कर सकते हैं, विच विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम। बट अगर आपको ये कर्व पाथ कभी भी नहीं चाहिए तो आप सिंपली अपने प्रेफरेंसेस के अंदर जनरल सेक्शन में से इस डिफॉल्ट स्पार्शियल इंटरपोलेशन टू लीनियर वाले ऑप्शन को चेक कर सकते हो, जिससे अब हमारे की फ्रेम्स हमेशा लीनियर रहेंगे। और अगर हमें कहीं भी कर्व ऐड करना है तो वो हम अपना पेन टूल सिलेक्ट करके किसी भी पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। टिप नंबर सिक्स, तो अगर मैं यहाँ कोई भी शेप लेयर क्रिएट करूं तो डिफॉल्ट से इसका एंकर पॉइंट हमारी कॉम्पोजिशन के सेंटर में ऐड होता है। इसे हम Y प्रेस करके मैनुअली प्लेस कर सकते हैं या शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल ऑल्ट प्लस होम, जिससे इसका एंकर पॉइंट मिडल में आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई नई शेप लेयर क्रिएट करूं तो डिफॉल्ट से ही उसका एंकर पॉइंट उसके मिडल में हो, तो वो करने के लिए हम वापस से प्रेफरेंसेस में जाके इस जनरल सेक्शन के अंदर से इस सेंटर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। और अब हम जब भी एक नई शेप लेयर क्रिएट करेंगे उसका एंकर पॉइंट हमेशा मिडल में रहेगा। टिप नंबर सेवन, मास्क क्रिएट करते वक्त ही हम इन मोड्स को चेंज कर सकते हैं बाय सिंपली प्रेसिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर मोड। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज पे एक मास्क क्रिएट करूं और अपने क्लिक को बिना रिलीज करे अपने कीबोर्ड पे एस प्रेस करूं तो यहाँ हमारे मास्क का मोड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट इसको छोड़ने के बाद भी हमें सिर्फ इसके एक पॉइंट को पकड़ना है एंड देन वी कैन अगेन प्रेस द शॉर्टकट की टू स्विच बिटवीन मोड्स। ए से ऐड होगा, एस से सब्ट्रैक्ट, आई से इंटरसेक्ट, एल से लाइटन, डी से डार्कन और एफ से डिफरेंस। टिप नंबर एट, शेप लेयर में हमारे पास यहाँ इस फिल और स्ट्रोक के अंदर चार ऑप्शंस रहते हैं, नन, फिल, लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। बट इन्हें यहाँ से चेंज करने की जगह हम सिंपली अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके इनके बीच में स्विच कर सकते हैं, विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। टिप नंबर नाइन, कुछ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को हम इन टूल्स पे डबल क्लिक करके भी रीसेट कर सकते हैं।
सिलेक्शन टूल से स्केल रीसेट होगा, रोटेशन टूल से रोटेशन, और पैन बिहाइंड टूल से हमारा एंकर पॉइंट। टिप नंबर 10, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर फाइल को आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करके उन्हें एनिमेट किया जा सकता है, बट यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट देयर टेक्स्ट लेयर इनटू एन एडिटेबल टेक्स्ट बाय सिंपली राइट क्लिकिंग ऑन द लेयर क्रिएट एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट, और अब हम इस टेक्स्ट को चेंज या एनिमेट कर सकते हैं इनसाइड आफ्टर इफेक्ट्स। टिप नंबर 11, अगर आपको अपनी कॉम्पोजिशन में कुछ लेयर्स के अलावा बाकी सारी लेयर्स सिलेक्ट करनी है तो आप पहले मैनुअली उन लेयर्स को सिलेक्ट करो जो आपको छोड़नी है, एंड देन राइट क्लिक करके चूज इनवर्ट सिलेक्शन। टिप नंबर 12, अगर मैं इस बनी को इस साइकिल के साथ पेरेंट करूं तो यहां ये अब इस साइकिल के साथ मूव होगा, बट अगर मैं इसे पेरेंट करते वक्त अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस करूं तो यहां ये बनी हमारी साइकिल के एंकर पॉइंट, पोजिशन, स्केल और रोटेशन प्रॉपर्टी को भी कॉपी कर लेगा। टिप नंबर 13, एक्सप्रेशन एडिटर के एडिट मोड में अगर हम कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करें तो हम अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, बट बाहर क्लिक करने पर यह वापस से छोटा हो जाएगा। तो अगर आपको डिफॉल्ट से इसका साइज बड़ा चाहिए तो यू कैन गो टू एडिट प्रेफरेंसेस, और यहां स्क्रिप्ट और एक्सप्रेशंस के अंदर से यू कैन चेंज द साइज ऑफ योर एक्सप्रेशंस। टिप नंबर 14, यहां मैंने इस सर्कल को इस पोजीशन पाथ पे एनिमेट करा है, बट अगर मैं इस एनिमेशन को प्रीव्यू करूं तो यहां हमारे सर्कल की मूवमेंट कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि यहां हमारे की फ्रेम की प्लेसमेंट काफी अनइवन है। तो मूवमेंट को इवन रखने के लिए हम सिंपली इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके विल चूज दिस रोव अक्रॉस टाइम ऑप्शन, जिससे ये ऑटोमेटिकली बीच के की फ्रेम्स की पोजीशन सॉर्ट कर देगा और हमारी मूवमेंट यहाँ इवन हो जाएगी। टिप नंबर 15, तो यहाँ मैंने एक सिंपल सी एनिमेशन क्रिएट कर रखी है विथ 3 शेप लेयर्स, जिनके अंदर यहाँ अलग अलग टाइम फ्रेम पे पोजीशन और रोटेशन में की फ्रेम्स एडेड है, बट अब मुझे इस एनिमेशन की स्पीड थोड़ी सी स्लो करनी है, तो यहाँ मैन्युअली एक एक की फ्रेम की प्लेसमेंट चेंज करने की जगह मैं सिंपली यहाँ इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके अपने लास्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से ड्रैग करूंगा, एंड दैट्स इट। और सिमिलर तरीके से हम अपनी एनिमेशन की स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं। टिप नंबर 16, इस फुटेज में मैंने इस फोन के मोशन को ट्रैक करके इसके अंदर ये स्क्रीनशॉट ऐड किया, इसकी वजह से यहाँ काफी सारे की फ्रेम्स एडेड हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैंने इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स भी ऐड कर रखे हैं टू ऐड सम रियलिज्म, बट नाउ आई वॉन्ट टू चेंज दिस स्क्रीनशॉट विद दिस स्नैपचैट इमेज। तो इंस्टेड ऑफ कॉपी एंड पेस्टिंग ऑल दीज की फ्रेम्स एंड दीज इफेक्ट्स, मैं सिंपली अपने इस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करके और अपने कीवर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके इसे कुछ इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूँ while maintaining all the keyframes and effects intact. By the way, ये motion tracking और camera tracking जैसी काफी सारी advanced techniques मैंने इस basic to advanced course में cover कर रखी हैं, जिसका नाम है Getting Started with Adobe After Effects. इसके बारे में और जानने के लिए click on its link in the description below. Tip number 17. Character rigging के workflow में काफी सारी parent और child layers create होती हैं। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर पेरेंट की सारी चाइल्ड लेयर सिलेक्ट करनी है तो आप सिंपली अपने पेरेंट लेयर पर राइट क्लिक करके इस सिलेक्ट चिल्ड्रन पे क्लिक कर सकते हो। टिप नंबर 18, अब अगर आप भी मेरी तरह हर सिनेरियो में सारे ब्लेंडिंग मोड्स एक्सप्लोर करते हो, देन इंस्टेड ऑफ डूइंग इट लाइक दिस, जो कि काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप सिंपली अपने कीवर्ड पे शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू की प्रेस करके आप एक एक करके सारे ब्लेंडिंग मोड्स एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर अगर आपको पता है कि आपको कौन सा ब्लेंडिंग मोड चूज करना है तो आप सिंपली इसके अंदर जाके उस पर्टिकुलर ब्लेंडिंग मोड के फर्स्ट लेटर को प्रेस करके उसे सिलेक्ट कर सकते हो। टिप नंबर 19, अगर आप स्टार की को प्रेस करके अपने मार्कर्स ऐड कर रहे हो और फिर उसमें कमेंट करके उसका कलर कुछ ऐसे चेंज कर रहे हो, देन यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। इंस्टेड आप सिंपली अपने प्लेहेड पे जाके ऑल्ट प्लस स्टार की प्रेस करो, जिसे मार्कर ऐड होने के साथ साथ वो ओपन भी हो जाएगा फॉर यू टू टाइप योर कमेंट राइट अवे, एंड देन आप पहले टैब और फिर स्पेस बार प्रेस करके अपना कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो बाय जस्ट प्रेसिंग फर्स्ट की ऑफ द नेम ऑफ द कलर, और फिर एंटर प्रेस करते ही योर मार्कर इज रेडी इन लेस टाइम देन यूजुअल। आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, फिर हम वीडियो को रिज्यूम करेंगे। तो मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पे एक कम्युनिटी क्रिएट करी है, जिसे आप सब फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको अपने जैसे क्रिएटिव और लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, जिनके साथ आप काफ़ी इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट कर सकते हो या अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो। यहाँ मैं भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और कई लोग यहाँ पे वीडियो एडिटर्स को हायर करने भी आते हैं, जिनकी ऑथेंटिसिटी मैं खुद पर्सनली चेक करता हूँ। सो इफ यू आर फ्रॉम दिस क्रिएटिव फील्ड देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक इट आउट, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट बैक टू द टॉपिक। लास्टली और सबसे हेल्पफुल टूल जो मेरे घंटों का काम सेकेंड्स में सॉल्व कर देता है, वो एक्चुअली में आफ्टर इफेक्ट्स का है ही नहीं, इट्स एक्चुअली अ थर्ड पार्टी प्रीमियर प्रो एक्सटेंशन जिसका नाम है फायरकट।
एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम। इस टूल से मैं एक ही क्लिक में अपनी वीडियो के सारे साइलेंस्ड पार्ट रिमूव कर देता हूँ। फिर इस ऑप्शन से जो मैंने लाइंस बोलते वक्त रिपीट करी हैं, उन्हें भी ये टूल डिटेक्ट करके रिमूव कर देता है। इसके अलावा दिस टूल कैन ऐड जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट ऑन द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर वीडियोस। इससे आप दो दो घंटे के पॉडकास्ट मिनटों में एडिट कर सकते हो, अपनी वीडियो में ऐसे कूल कैप्शंस ऐड कर सकते हो एंड सो मच मोर। एंड दे आर एडिंग मोर फीचर्स ऑल्सो। नाउ इफ यू आर वर्किंग फुल टाइम देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस टूल इन योर वर्कलोड। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक अफिलियट लिंक ऐड कर रखा है एंड इफ यू यूज द कूपन कोड MNV10 then you will get 10% off on all their monthly plans. And believe me, it is all going to be worth it. With that said, I hope इस वीडियो से आपको काफी सारी नई टिप्स और ट्रिक्स सीखने को मिली होंगी। आने वाले cohorts की information आपको नीचे description में मिल जाएगी, so do check that out because the seats are limited. And subscribe if you haven't and like if you learned something new today. I'll see you in the next one.